सो गाइस, मेरे हाईलाइट से आपको पता लग गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। दिल्ली में कहीं पे भी घूमने के लिए मुझे मेट्रो सबसे ज़्यादा इजी वे लगता है। सो लोटस टेंपल का सबसे नियरेस्ट मेट्रो है कालका जी, तो चलिए चलते हैं। अब हम एग्ज़िट लेंगे। सो गाइस, मैं कैसी लग रही हूँ वो भी मुझे कमेंट में बता देना। ओह यार ये कितनी ऑसम है यार। 2 नंबर गेट से एग्जिट लेते ही आपको वो सीढ़ियाँ दिख जाएगी जहाँ से हम वॉक करके लोटस टेंपल जाएंगे, बिकॉज मेट्रो से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही लोटस टेंपल हम जा सकते हैं। अगर मेरी तरह आलसी हो तो यूलू बाइक ले लो या फिर ऑटो वाले भैया आपको 10 रुपीज़ में वहाँ तक छोड़ देंगे। यहाँ पास में कालका माँ का भी टेम्पल है, उसके लिए ये इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम घूमेंगे लोटस टेम्पल, तो चलिए आइए चलते हैं। सो गाइस, ये एंट्री गेट है, यहाँ से हम एंट्री लेंगे। एंट्री गेट पर बैग्स चेक होते हैं, बिकॉज यहाँ पर खाने पीने का सामान आप अंदर नहीं लेके जा सकते। यहाँ पे बैग्स वगैरह की चेकिंग हो रही है। तब यही रास्ता है जहाँ हम जाएंगे लोटस टेम्पल घूमने के लिए। यहाँ आने के लिए कोई भी एंट्री टिकट नहीं है और इसका टाइमिंग मॉर्निंग 8 to evening 6 तक का है। अच्छा, गाइज, यहाँ मैंने कुछ सिनेमैटिक शॉट लेने की कोशिश की है। वो एक यूट्यूबर का देखा था कि कुछ सिनेमैटिक शॉट्स डालो, तुम्हारा वीडियो वायरल होगा। आप देखते हैं होता है या नहीं। तो गाइस, आप देख सकते हैं आज का मौसम कितना अच्छा हो रखा है। ओह गॉड, आप देख सकते हैं आज का मौसम कितना अच्छा है। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं, अगर मौसम अच्छा हो तो घूमने का मजा दुगुना हो जाता है। तो लोटस टेंपल को 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है, भाई उपासना मंदिर एंड कमल मंदिर। तो चलिए आगे और एक्सप्लोर करते हैं। मंदिर में जाने से पहले शूज उतार कर इन बैग्स में डाल देंगे। ये दूर से इतना सुंदर लग रहा है, पता नहीं पास जाके और कितना सुंदर लगेगा। भारत में बना हुआ ये भाई उपासना का मंदिर दुनिया में अलग अलग जगह पर बने हुए 8 मंदिरों में से सबसे नया है। इनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट बनावट है। यहाँ आने का एकदम सही टाइम सुबह 8 बजे है, वरना आपको भी इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। लोटस टेम्पल को देखने के लिए इंडिया के ही नहीं बल्कि बाहर के भी लोग यहाँ पर आते हैं। इस मंदिर की कुछ जानकारी ले लेते हैं। ये जो मंदिर है, इसका एरिया 26.6 एकड़ है एंड मंदिर की जो हाइट है वो 34.27 मीटर है एंड इस मंदिर का डायामीटर 70 मीटर है। इसकी आर्किटेक्ट श्री फरीबुर्ज साहिबा जी है एंड ये जो मंदिर है इसकी पंखुड़ियों की संख्या 27 है और इसके चारों तरफ जो पौंड बने हुए हैं उनकी संख्या 9 है। इसके चारों तरफ का व्यू दिखा देती हूँ, देखो कितना सुंदर व्यू है इसके चारों तरफ का। अब हम मंदिर के अंदर एंट्री लेंगे। वैसे मंदिर के अंदर वीडियोस एंड फोटोज अलाउड नहीं है, तो भी मैंने बाहर से एक वीडियो शूट किया है। इस मंदिर परिसर के अंदर 1300 लोगों के बैठने की जगह है और यहाँ पे हम प्रार्थना कर सकते हैं। मंदिर से निकलते ही आपको ये पेपर मिलेगा, अगर आपको इस मंदिर से जुड़ी और जानकारी लेनी है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे सिक्के भी डाल रखे हैं अपनी विश पूरी करने के लिए। पता नहीं मेरी विश कब पूरी होगी। मेरी विश तो आप लोग जानते ही होंगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार।
आपको वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल भी दिख रहा होगा। अब यहाँ से जूते ले लेते हैं और गार्डन्स में घूमने के लिए चलते हैं। सो गाइस, हम मंदिर के अंदर जाके आ चुके हैं। मंदिर के अंदर सभी धर्मों के लोग जा सकते हैं। मंदिर के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी मूर्ति नहीं लगी हुई है। मंदिर के अंदर जाके आप प्रार्थना कर सकते हैं। वहाँ इतनी शांति है जो आपके मन को बहुत शांति देगी। तो अब यहाँ पर जो गार्डन बने हुए हैं, अब हम वहाँ पर घूमेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं। सो गाइज, ये मंदिर जितना सुंदर बाहर से दिखता है उतना ही सुंदर ये अंदर से बना हुआ है। तो कभी आप दिल्ली आते हैं तो यहाँ ज़रूर आना। सो गाइज, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और, मैं ज़्यादा मोटी हूँ या फिर ये पेड़? ये पेड़ नहीं है, पहली बार पौधा है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये तो मूवीज वाले गार्डन लग रहे हैं एकदम। So guys, वहां से हम संतरा लेके आए हैं। देखिए कितना बड़ा संतरा है ये। हेलो हेलो। ये दोनों बहन भाई भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। सो गाइज, यहाँ पर लोटस टेम्पल का इंफॉर्मेशन सेंटर भी बना हुआ है। यहाँ पर आपको लोटस टेम्पल से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो यहाँ आपको मिल जाएगी। लेकिन अंदर वीडियोस और फोटोज अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन आप ज़रूर यहाँ पर आए, तब इस इंफॉर्मेशन सेंटर को ज़रूर विजिट करना। टेम्पल के बाहर ये छोटा सा मार्केट भी यहाँ पे बना हुआ है। सो गाइज, अब थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है, तो अब हम घर की ओर चल रहे हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक एंड सब्सक्राइब मोर।